निश्चित भाव में देखु सुना दर जो कमी से समस्त मनरे गोटे खुशीर खबर है आपथे यही नवेम्बर मसरे अर्थात ओडिया मार्गशीर मसरू गोटे बाहागर सीजन आरंभ होबे किछि दिन तले धनतेरास जाइछि। धनतेरास रे ग्राहक माने आगामी बाहागर सीजन पाई सुना किणिथिले जेहेतु विभिन्न सुना दोकानी पक्षरु अफर दिया जाउथला से अफर को आखि आगर रखी धनतेरास रे सुना किणिथिले किंतु जो माने किणि देइछन तो से मुंडो बाड़ी होउथिबे किंतु आज जो सुना किणिबा पई अछन्ति सेमानक पई निश्चित भाव रे खुशीर खबर कि 10 ग्राम पिछा पाखापाखी 1600-1700 टका कम होइछि। से संपर्क अधिक आलोचना करिया पई मु वर्तमान रहिछि केशव ज्वेलर जे ब्रांच मैनेजर अछन्ति प्रदीप तांका सहित अधिक आलोचना करिया। प्रदीप जी ओटीबी में आपका स्वागत है। ओके नमस्ते ओटीबी। बताइए जो आज का गोल्ड प्राइस कम हुआ ये आपके लिए खुशी खबर है कस्टमर्स के लिए खुशी खबर? ये आज को रेट जो कम हो गया पर ग्राम में अप्रोक्स 170 एक तोला के लिए बोला जा रहा है तो 1700 कम हो गया, ये तो हमारे लिए बेटर है, कस्टमर के लिए बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि अभी जो आने वाला वेडिंग सीजन है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हम लोग का जब वेडिंग सीजन आ रहा है तो कस्टमर्स को खुशी परचेज करने के लिए एकदम अच्छा चांस मिल रहा है अभी, क्योंकि तो अभी बढ़ के जा रहा था 10-20 रुपीज बढ़ के जा रहा था, बहुत आगे गया था 4-7-4 समथिंग गया था बट नीचे एकदम सडनली नीचे आ गया एकदम सुपर। अभी मार्केट थोड़ा हाई लेवल में जाने के लिए चांस बहुत ज्यादा है तो किसी को भी लेना चाह रहे तो अभी एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी है ले सकते हैं, वही कस्टमर को बहुत हैप्पी देते हैं, हमको भी बहुत खुशी हुआ अभी। ये जो गोल्ड प्राइस कम हुआ इतना कम हो गया इतने बहुत दिनों के बाद तो कारण क्या हो सकता है? अभी मेरे को लग रहा है अभी हमारा जो शेयर मार्केटिंग पूरा थोड़ा हाइप हो गया, कल दो हमारा ट्रम्प का जो दोबारा उन्होंने अभी सेकंड टाइम्स हमारे प्रेसिडेंट होके डिक्लेरेशन हो चुका है तो मार्केट पूरा एकदम एनर्जी हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा गोल्ड का भी जो भी हमको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे आ रहे तो बेटर मेरे को लग रहा है, मेरा अकॉर्डिंग वही लगा चांस ज्यादा है। ये प्राइस और कमे का कम होगा या अगले महीना और 2 महीने के बाद फिर बढ़ता जाएगा? अभी उसी में से एक्सैक्टली बोलते नहीं दे सकते बट कम होने के लिए चांस ज्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि तो मार्केट थोड़ा डाउन रहेगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का जो प्राइस हाइप जाते हैं, मार्केट थोड़ा हाइप हो गया तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का प्राइस भी नीचे आता है तो मेरे को लग रहा है थोड़ा नीचे और नीचे आने के लिए मतलब चांसेस जो है दोनों भी है चांसेस, मतलब एक्सैक्टली हमको किसी को भी बोल नहीं सकते। लोग बोल रहे थे कि जो सोने का डिमांड बढ़ रहा था जो प्राइस बढ़ रहा था कि युद्ध के कारण बढ़ रहा था, अभी ट्रम्प जीत गए इसलिए कम हो गया। अभी मेरे को भी अलग से रीजन तो मेरे कुछ मतलब मेरा मतलब फर्स्ट लुक में तो नहीं आ रहे क्योंकि तो पहले डिमांड ज्यादा आ रहा था गोल्ड को, जो चीज डिमांड हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ के जाएगा तो कॉमन सी बात है, तो अभी थोड़ा ट्रम्प जीत गया तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ रहे तो जो लेने वाला जो कितना लोग पेंडिंग रखा है उनको लिए सबसे अच्छा है क्योंकि तो अदरवाइज सबको अभी ये प्राइस में अफोर्डेबल नहीं होता था क्योंकि तो नॉर्मल अगला जो वेडिंग सीजन है आपके लिए खुशी खबर मिलेगा और कस्टमर्स के बहुत उत्साहजनक होगा वो बिल्कुल ही, क्योंकि तो अभी के जो वेडिंग सीजन जो आ रहा है तो इसी के लिए कोई भी नॉट ओनली मी जितना भी ज्वेलरी सेक्टर्स रहेगा उनको सबके लिए खुशी रहेगा और जितना भी कस्टमर्स है वो लोग सबसे ज्यादा खुशी में रहते हैं क्योंकि तो बेटर वही है कस्टमर्स से फर्स्ट ऑफ ऑल।